2016 टोयोटा हाइलक्स पिकअप। कस्टमर का कंप्लेंट है कि जब हम पार्किंग लाइट ऑन करते हैं और गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो गाड़ी रेस छोड़ देता है, गाड़ी आगे नहीं जाता है, बिल्कुल RPM इसका काम नहीं करता है। तो आज मैंने पहली बार ये फॉल्ट देखा है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। कुछ अजीब फॉल्ट है ये, नया गाड़ियों नया मॉडल जितने भी गाड़ियां हैं इसमें ये मसला आता है। तो जब ये पार्किंग लाइट सिर्फ ऑन करते हैं तो यहाँ पे एक लाइट आता है, ड्राइविंग के टाइम एक लाइट आता है और गाड़ी रेस छोड़ देता है, RPM छोड़ देता है। ये लावरा लाइट जब आ जाता है तो ये ऊपर जो लाइट है ये जब आ जाता है तो गाड़ी RPM छोड़ देता है। तो मैंने स्कैन किया गाड़ी को, कोई फॉल्ट कोड नहीं आया। तो आखिर में मैंने जो फॉल्ट पकड़ा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। बहुत अजीब फॉल्ट था, इसका ब्रेक लाइट शॉर्ट हो गया था, बल्ब शॉर्ट हो गया था। ये बल्ब आपस में इसका एक जो लेयर है वो उड़ गया था, वो दूसरे के साथ शॉर्ट हो गया था। तो इस वजह से गाड़ी में ये मसला आ रहा था। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं इसका दोनों बल्ब राइट और लेफ्ट ब्रेक के साथ काम नहीं कर रहे थे। तो कभी भी ये नए मॉडल गाड़ियों में ये मसला हो तो फिर आपने ये मामूली काम करना है, इसका सबसे पहले ब्रेक लाइट चेक करना है। नए मॉडल जितना भी गाड़ियां हैं उसमें पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा हुआ है। ये 2016 टोयोटा हाइलक्स पिकअप है। तो ये बल्ब की वजह से ये बड़ा मसला इसमें आ रहा था और अभी ये क्लियर हो